नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी प्यारे दर्शकों का। आज हम मथुरा के पास एक फार्म है और फर्रा से भी नज़दीक है, अपन इनसे पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे ही। पर जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल और थंबनेल में ही पढ़ा होगा, ये बरबरी का फार्म है और मैं विजिट के लिए आया था। और यहाँ पर जैसे मैं आया तो इनकी बकरी ने बच्चा दिया, तो मुझे लगा कि मुझे दर्शकों को दिए चीज़ दिखानी चाहिए, क्योंकि ये एक ब्रीडिंग सेंटर है, टोटली बर्बरी के ऊपर काम कर रहे हैं, प्योर ब्रीड लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो किस तरीके से रिजल्ट मिलते हैं और वो अगर मैं आप लोगों को प्रत्यक्ष दिखा सकूं, ये सबसे अच्छा काम हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं फार्म ओनर से। और बकरी ने अभी डिलीवरी करी है तो उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं कि यार बर्बरी कब कितने समय में तैयार हो जाती है, कितने बच्चे देने की क्षमता होती है और इस फार्म में अभी कितनी बकरियाँ और बकरे उपलब्ध हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं फार्म ओनर से। तो दर्शकों चलिए चलते हैं और मिलते हैं फार्म ओनर से। ये इनका जो बाहर वाला एरिया है आप देख सकते हैं, ये सामने फार्म है और इस फार्म के सामने अभी बकरियां इन्होंने हरी घास डाली हुई थी तो यहाँ बैठी हुई हैं। और अंदर मैं आपको लेकर चलता हूँ, जैसे यहाँ पर भी कुछ बकरियां और बकरे खड़े हुए हैं। ये टोटली जो ब्लड लाइन है ये CIRG की ब्लड लाइन है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं जो ओरिजिनल बर्बरी होती है जिसे हम प्योर ब्लड लाइन कहते हैं। ये सामने बकरा खड़ा है और ये बकरी खड़ी हुई है और सुबह सुबह इस बकरी ने दो बच्चे दिए हुए हैं, है ना। और ये देख सकते हैं एक बच्चा ये बैठा है और दूसरा बच्चा वो माँ के पीछे बैठा हुआ है छिपकर, है ना, वो आपको नज़र आएगा। और चलिए अभी जो बकरी अभी बच्चा दे रही है और उसके बारे में जानकारी लेते हैं। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि जो नए किसान हैं उनको किस किस बात की सावधानी रखनी चाहिए। तो सर स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर। स्वागत है सर। पहले तो मेरे सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। जी जी, बताइए क्या कुछ जानकारी चाहिए आपको। अपना सबसे पहले परिचय दे दीजिए, अपन का फार्म कहाँ पर है और ताकि हमारे दर्शक आप तक पहुँच सकें। मेरा नाम धीरज कुमार चौधरी और मेरा फार्म भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। जो फरे से भरतपुर के बीच में 22 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, फरे जो बकरी अनुसंधान केंद्र है CIRG उससे। और मेरे फार्म का नाम है लीलावती गौर सेंटर तकनीकी सहयोग बर्बरी यूनिट ICR CIRG मखदूम फरे की ओर से संचालित है जी। और CIRG की ओर से एक यूनिट मिली हुई है मुझे जिसका मल्टीफ्लायर योजना के तहत चालू है। अच्छा, टोटल जो मेरा काम है वो कागजी कार्रवाई पे चलता है और हर महीने मेरे को बकरियों का रिकॉर्ड CIRG भेजना पड़ता है। हाँ, तो बकरी कितना खा रही है, कितना भूसा खा रही है, कितना दाना खा रही है, कितना वेट गेन कर रही है, कोई बकरी में कोई बीमारी तो नहीं, वो पूरा डाटा हमें हर महीने भेजना पड़ता है। सर इस बकरी के बारे में बताइए जिसने अभी अभी बच्चा दिया हुआ है, तो ये एक बच्चा दिया हुआ है। हाँ, ये कितने दिनों की हो गई है और कितनी बार बच्चे दिए इसने? ये तीसरा ब्याही है। तीसरी ब्याही? हाँ, दो बार बच्चा दे चुकी है, ये तीसरी बार इसने बच्चा दिया। जी जी। हाँ, और ये एक से दो साल की इसकी बीच में उम्र है। अच्छा। और सर ये जो बर्बरी है ये अमूमन ज्यादा बच्चा देने के लिए जानी जाती है। आपके फार्म पर जो बकरियां हैं वो कितने बच्चे तक देती हैं, ये थोड़ा सा बताइए। कुछ बकरियों ने तीन तीन बच्चे भी दिए हैं। अच्छा। जैसे एक ये बकरी है इसने पहले तीन बच्चे भी दिए हैं और दो तो अमूमन देती ही है। अच्छा अच्छा। और ज्यादातर सभी बकरियों बर्बरी में दो बच्चे देती हैं और कोई कोई एक भी देती है, जैसे पहलौन जो बकरी है वो एक बच्चा देती है पहली बार। हाँ, कोई दो भी देती है पहलौन भी। अच्छा। ऐसा नहीं है कि एक ही दे, हो सकता है दो भी देती है। अब देखो ये बच्ची है, ये पहलौन है और छह से नौ माह की है ये बच्ची। अच्छा, छह से नौ माह की और करीब ये ढाई महीने की प्रेगनेंट है। नौ महीने में ढाई महीने की प्रेग्नेंट होगी। इसको चेक करने के लिए सैंपल के तौर पे मैंने इसको प्रेग्नेंट करवाया है क्योंकि ये हीट में आई थी बार बार। अच्छा। क्या देखता हूँ कि छह से नौ माह की जो बर्बरी बकरी है वो बच्चा तंदुरुस्त देती है कि नहीं। तो सर मुझे ये बताइए कि इस एज में जो आपने बताया छह से नौ माह की एज है, इसमें बकरियों को क्रॉस कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? नहीं कराना चाहिए। क्यों? इससे क्या आएगा, बकरियों के स्वास्थ्य पे गलत प्रभाव पड़ता है और बच्चा ग्रोथ नहीं करता उसके, और बकरी जो बच्ची है वो भी थकती है।
अच्छा हाँ, वही हिसाब है जैसे माँ बहन औरतों में पाया जाता है वही इनका हिसाब है। जल्दी उम्र में उनकी शादी कर देते तो उनके भी तो बच्चे ऐसे कमजोर पैदा होते, वही इनका हिसाब है। तो सर जो नए दर्शक हैं, हाँ। जो बर्बरी में खास करके जो अपना बेल्ट है ना, मध्य प्रदेश का हो गया, आप यूपी से हो गए, और कुछ राजस्थान का बेल्ट जो बर्बरी के लिए फेमस है, मशहूर है, भरतपुर हो गया, आपका फरा हो गया, मथुरा हो गया, यहाँ के जो नए दर्शक हैं या हमें कहीं से भी नए दर्शक जो देख रहे हैं, बकरी ब्याते समय कौन कौन सी सावधानियां और यह तैयारी करनी चाहिए, ये थोड़ा सा समझाइए। देखो बकरी ब्याने से पहले एक तो जगह साफ सफाई होनी चाहिए जी, थोड़ा नीचे ना एक पक्का होना चाहिए, उसके मतलब कुल मिला के बच्चे गंदगी से ना थोड़ा दूर होना चाहिए। जैसे टाट बोरी बिछा दिया, बच्चे को ब्याने के बाद तुरंत हाथ में लो, उसको पहुंचो सूती कपड़े से, जैसे मैंने अभी अभी पहुंचा था, उससे पहुंचो, फिर उसके बाद इसके थोड़ी देर जो खुरे हैं उनको साफ करो, और मुंह में उंगली दे के इसमें जो ये जेर वगैरह आ जाता ना उसको बिल्कुल साफ करो, क्योंकि इसमें मुंह जाता है तो इसकी सांस रुकती है। अच्छा, उसको साफ करो, फिर उसके बाद तुरंत फिर बच्चे को दूध पिलाओ। अच्छा। उससे क्या है बच्चा जल्दी थन पकड़ने लग जाता है, तो इससे क्या है बच्चा भी तुरंत दूध पिलाना चाहिए, माँ का सबसे पहला दूध आधा घंटे के भीतर भीतर पिलाना चाहिए, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा। जेब कुछ लोग कहते हैं कि जेब डाल दे तब तक दूध मत पिलाओ, ये सभी गलत है। हम तो ये कहना ब्याह गई बच्चा दूध मांग रहा है तुरंत पिलाओ उसे, और इसमें अभी दूसरे बच्चे भी है, संभावना है, संभावना है इसमें। कभी कभी क्या है आधा आधा पौन पौन घंटा लग जाता है बच्चा आने में, जैसे वो सुबह जो बकरी ब्याई है तो उसका पहला बच्चा तो तुरंत आ गया, दूसरा बच्चा आने में करीबन करीबन 35 से 40 मिनट लग गया, 35 से 40 मिनट। हाँ, हमने भी सोचा था कभी एक ही बच्चा देगी इतना टाइम हो गया, लेकिन दूसरा बच्चा आने में 35 से 40 मिनट लग गया था। लग जाते हैं, कभी कभी लग जाते हैं, कभी कभी 10-5 मिनट के भीतर बच्चे दे देते। जैसे मान लीजिए ये डिलीवरी कर दी, फिर इसके बाद जो सप्ताह शुरू होता है तो क्या क्या खाने में देना चाहिए ताकि बकरी जो है जल्दी रिकवर कर जाए। देखो सबसे पहले तो सूखा भूसा, दलहनी जो सूखा भूसा है वो जरूर, और दलहनी थोड़ा थोड़ा जो दाना है वो बिल्कुल पैसा हुआ नहीं होना चाहिए, कुछ लोग जैसे चून मिला देते हैं वो नुकसान करता है जनावर को, जहर पैदा करता है। दाने गेहूं ले लो, जौ चना कोई भी दाना, उसके दो टूक करके इनको खिलाना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके, और कोई दिक्कत नहीं है, शुरू से खिलाओ, अच्छा खिलाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब जब जानवरों को खाने ही नहीं देंगे तो जानवर तो कमजोर रहेंगे, अभी आपने देखा कोई जानवर हमारे फार्म पर कमजोर है, बिल्कुल कितनी साइनिंग है। हाँ हाँ। कुछ जानवर तो ऐसे हैं कि मेरी CIRG में भी कोई जानवर नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे अभी अभी आपको मैंने 6 से 9 माह की बच्ची दिखाई थी उस पर कितनी साइनिंग थी, सही बात है, ये कंडीशन होती है। अच्छा खिलाओ, अच्छा साफ सफाई रखो, साफ सफाई मेन है, टाइम टेबल से, मैं तो सभी किसानों से कह रहा हूँ कि टाइम टेबल से देख रेख जरूरी है जानवरों की, और लेबर के भरोसे बिल्कुल नहीं रहे, कुछ मालिक फार्म खोल के डाल दिया, लेबर पर छोड़ दिया, तो वो कभी भी सक्सेस नहीं रहे। फार्म चलाना है तो मालिक को तत्पर वहाँ टाइम देना होगा, देखभाल करनी होगी, और पूरा मैनेजमेंट अपने सिस्टम में रखना होगा, तो सही है, तो सही है। हाँ, तब फार्मिंग का मतलब तभी कहलाया, तभी कहलाएगा, है ना। अब डाल दिया माल खरीद के, लेबर देख रही है, उन्हें यही नहीं पता है कि क्या हो रहा है हमारे फार्म पे, तो वो क्या करेंगे। हाँ, जैसे मैं हर बता सकता हूँ कि ये बकरी कितने दिन की है, ये बच्चा कितने, पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। अच्छा अच्छा। अब मैं लेबर को पहुंच जाऊँ पीछे तो उन्हें क्या पता कि बच्चे को दूध पिलाया है कि नहीं पिलाया है, बच्चा कैसे मर गया उन्हें क्या पता है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि पूरा मैनेजमेंट मालिक को, जो भी फार्म खोल रहा है, किसान है हमारे, उनको अपने हाथ में रखना चाहिए। ज्यादा नहीं समय दे पा रहे हैं तो सुबह शाम फार्म पर जरूर चेक कर, एक तो जब बाड़े में से निकलते हैं तुरंत अपनी नजर के सामने अपने जानवरों को देखो, कोई दिक्कत तो नहीं हुई नाइट में, और एक नाइट में अंदर करने से पहले, फिर किसी किसान को कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर दो टाइम जानवरों को देखेंगे तो। हम तो बस यही कहना चाह रहे हैं सभी किसानों से जी। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी, कोई भी सवाल है आपको तो बिल्कुल सर का मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, चाहे वो बकरी पालन के बारे में हो या बकरियों के बारे में हो, तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।